नए माली साल के बजट का हजम 14,460 अरब मुकर्रर है। एफबीआर का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर है। दस्तावेजाती कहती हैं कि नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल, दस्तावेजात के मुताबिक एफबीआर का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,963 अरब रुपए अब मुकर्रर किया गया है। बजट में सूबों को 5,276 अरब रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए का होगा। बजट दस्तावेजात के मुताबिक आपको बताएं कि एफबीआर का टैक्स हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे खसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, क्या आपके पास तफसीलात हैं, बताइएगा। देखिए, नए वाली साल के बजट का मजमू हजम 14,460 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है, जिसमें से करंट जो अखराजात होंगे, जारी अखराजात 13,320 अरब, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यानी कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 7,303 अरब, पेंशन के लिए 761 अरब, डिफेंस के लिए 1,804 अरब, ग्रांट्स और ट्रांसफर के लिए 1,464 अरब, सब्सिडीज के लिए 1,074 अरब और इसके अलावा रनिंग ऑफ सिविल गवर्नमेंट के लिए 714 अरब। 9,200 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू का हदफ एफबीआर के लिए मुकर्रर किया गया है। सालाना नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,963 अरब है और इसके अलावा 12,163 अरब रुपए ग्रॉस रेवेन्यू का इसमें हदफ मुकर्रर किया गया है। हम पहले आपको बता चुके हैं कि डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा गया है वो 950 अरब है पीएसटीटी के बाद में। इसके अलावा 200 अरब रुपए जो है वो एमरजेंसी के लिए रखे गए हैं इस बजट में और साथ साथ जो नया फाइनेंस बिल है उसकी हमने तफसीलात हासिल की है, जिसमें ये कहा गया है आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ है कि कुकिंग ऑयल और कुदरती तेल पर सेल्स टैक्स खत्म करने का फैसला किया गया है। पॉइंट ऑफ सेल के जरिए लेदर और टेक्सटाइल मसनूआत का सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला हुआ है। अब पीओएस पर सेल्स टैक्स की शराब 12 से बढ़ाकर 15% की गई है, लेकिन इसके अलावा कुछ रेवेन्यू मैयज मजीद दिए गए हैं, जैसे पुराने पाक की तबाद के दरामदी कागज पर ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म और सोलर पैनल की जो बैटरीज की तैयारी के खाम तेल खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया गया है। इसी तरह सोलर पैनल की मशीनरी, सोलर पैनल के इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म की गई है और जो बच्चों के डायपर्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर ड्यूटी खत्म की गई है। तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा न करने का फैसला किया गया है। कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाने का फैसला किया गया है। साबक फाटा की मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तोसी का फैसला किया गया है। ये तोसी 30 जून 2024 तक होगी। इसके अलावा अब मुल्क में थिनर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुतलका खाम माल पर ड्यूटी खत्म की गई है। पोलिएस्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुख्तलिफ खाम माल पर ड्यूटी कम करने का फैसला किया गया है। मादनियात के शोबे की मशीनरी इंपोर्ट करने पर ड्यूटी खत्म। इसके अलावा टेक्सटाइल के शोबे के रंग और दीगर मुतलका खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रायोरिटीज सेट की गई हैं और जैसे कि हमारे नुमाइंदे खसूसी शकील अहमद भी बता रहे हैं, खास तौर पर ये आवाम के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा कि तमाम जरूरी अशिया की दरामद पर टैक्स में इजाफा ना करने का फैसला किया गया है, जबकि कारोबार में आसानी और तजारती सहूलियात बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। तो ये बड़े अच्छे स्टेप्स हैं जो कि लिए जा रहे हैं एक रिलीफ देने के लिए। खासतौर पर फाइनेंस बिल का जिक्र हो रहा है और जो दस्तावेजात सामने लेकर आया है नुमाइंदा खसूसी शकील अहमद, इस पर हमें तफसीलन आगा भी कर रहे थे और जैसा कि वो बता रहे हैं कि साबिक फाटा के लिए मशीनरी की दरामद पर टैक्स की छूट में तौसी का फैसला भी किया गया है, जबकि डायपर्स की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल की दरामद पर ड्यूटी खत्म की जा रही है, सोलर पैनल के इन्वर्टर के खाम माल पर भी ड्यूटी का खात्मे का फैसला किया गया है। तो ये जो ड्यूटीज का खात्मा किया जा रहा है ये भी बहुत अच्छे फैसले किए गए हैं। साथ में रिलीफ देने के लिए आवाम को जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं उसके जो हम देख रहे हैं खासतौर पर अब दस्तावेजात सामने आ रही है उसमें पता लगता जा रहा है। बिल्कुल शुएब और शाहजेब, और जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान जब हमने देखा कि कोविड से गुजरा उन हालात में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा है और कारोबारी मामला की अगर बात की जाए तो उस वक्त हमने देखा कि जो मैन पावर थी उसको हटाया गया, उसको कम किया गया, क्योंकि जाहिर है जब मैन पावर नहीं होगी तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस चीज़ को कवर करने के लिए जो फाइनेंस बिल के अंदर बेहतरी लाई गई है वो ये कि जिस तरह से टैक्स कम होगा और जाहिर सी बात है टैक्स कम होने से आवाम के लिए मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में बदलती हुई नजर आएंगी।